बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको, बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है। जी हां, दो युवक चुपके से रात के अंधेरे में उनके मुंबई के बांद्रा स्थित घर मन्नत में घुस गए। बता दें कि दोनों मकान की तीसरी मंजिल तक का सफर तय कर चुके थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने फौरन उसे पकड़ लिया और शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। बता दें कि मन्नत के हाउस मैनेजर ने दोनों युवकों को बांद्रा पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने बताया कि दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दोनों गुजरात के सूरत शहर से यहां आए हुए थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो अभिनेता शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं और उनसे मिलना चाहते थे, इसलिए रात के अंधेरे में दीवार फांद कर उनके घर में घुसने की हिमाकत कर दी। जी हाँ, बता दें कि बांद्रा पुलिस ने बताया कि दोनों युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले में सूरत पुलिस से भी सहयोग लिया जाएगा। फिलहाल दोनों के खिलाफ बिना अनुमति के किसी की निजी संपत्ति में प्रवेश करने का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि घटना के दौरान शाहरुख बंगले पर नहीं थे, वे फिल्म जवान की शूटिंग कर रहे थे। अगले दिन यानी गुरुवार को वह मन्नत आए। बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुंबई के एक बिजनेसमैन ने उन पर 85.86 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। बता दें, मुंबई अंधेरी पूर्व के रहने वाले किरीट जसवंत शाह ने गौरी खान, अनिल कुमार तुलसियानी और महेश तुलसियानी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।